फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गुज्जुगल ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आ चुकी हूँ आज आपके साथ न्यू रेसिपी लेके। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैदे के आटा की मठरी। मठरी भी बोल सकते हो इसको, मठी भी बोल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब अलग अलग नाम से उनको लोग बोलते हैं, मठरी बोलो, मठी बोलो, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस वो ही हम बनाने जा रहे हैं। चलो हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। लेट्स गो। उनके लिए लिया है मैदा, ठीक है। अभी आटा छान लिया है, आटा वो छानना है मुझे, ठीक है। ये है कस्तूरी मेथी, मैं इसमें मेथी ऐड करूंगी क्योंकि मैंने ये घर पे मतलब मेथी अभी बनाई हुई थी, सीजन थी विंटर की, तो इसीलिए तो बस ये मेथी ऐड करूंगी, ठीक है। और ये वाला जो मैंने पाउडर है वो है काली मिर्च, जीरा, उन दोनों को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, ठीक है। और यहाँ पे नमक था, डेढ़ चम्मच मेरे नमक, डेढ़ चम्मच नमक, ठीक है। ऐसे मैं पानी में घोल रही हूँ ताकि काफी बार मठरी में आपने देखा होगा, ठीक है, वो बबल्स आ जाते हैं, ठीक है, या फिर फुली फुली से बन जाते, तो वो नहीं होगा ऐसे करने से। और यहाँ पे मैंने पानी है उनको भी उबालने रख दिया है, ठीक है। इससे हम आटा को अच्छी तरह से मतलब भुनेंगे ताकि आटा का जो हमारा मतलब टेक्सचर है ना वो अच्छा हो जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट वाला डाउ बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जितना मैदा चाहिए उतना छान लिया है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ये मैंने इतना मैदा ले लिया है, तब मैं जो ये हमने मसाला रेडी किया हुआ है, जो ये हमने मसाला रेडी किया हुआ है वो मसाला मैं ऐड ऑन कर दूंगी। अब प्लीज इसमें मसाला थोड़ा ज्यादा रखना, तभी इसका टेस्ट है ना मट्टी का बहुत ही अच्छा लगेगा, जैसे आपने मार्केट से ली हुई है, ठीक है। ये कस्तूरी मेथी है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दोनों हथेलियों से मिक्स करते हुए डाल दूंगी। आपको ज्यादा पसंद है तो ज्यादा ले सकती है, मैं ज्यादा नहीं डालूंगी इसमें, बस मैं इतना सा ही डालूंगी कस्तूरी मेथी। अब इसको हम है ना ऑयल से थोड़ा सा बाइंडिंग करेंगे ताकि ये है ना फ्रेंड्स थोड़ी खस्ता वाली मठरी बने, ठीक है। वरना आप बिल्कुल ऑयल से वो नहीं करोगे बाइंडिंग उसका आटा का, ठीक है, तो बिल्कुल वो कड़ी कड़ी सी बनेगी, आप चबा भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो जैसे मार्केट स्टाइल बनाओगे तो उसमें ऑयल या तो वो लोग जो वनस्पति घी आता है, ठीक है, वो वाला घी डालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे वो घी यूज नहीं करती हूँ, मैं मोस्ट ऑफ क्या बोलते ऑयल ही यूज करती हूँ। मेरे घर पे आई थिंक 3-4 साल हो चुके हैं मैंने वो वाला घी यूज नहीं किया है क्योंकि मैं प्रेफर ही नहीं करती किसी चीज के लिए, ठीक है। और जो मैं ये ऑयल यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स वो राइस ब्रेन है, ठीक है, सफोला का, सॉरी सफोला नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑयल यूज करती हूँ वो है ओलिव का राइस ब्रेन, ये बहुत ही अच्छा ऑयल आता है, ठीक है। कभी आप तलते हो तो कोई भी मतलब चीजों पे ना ऑयल बिल्कुल ऊपर है ना चिपकता, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑयल नहीं करता मतलब लेता नहीं है, ठीक है, वरना काफी सारे ऑयल देते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमें बाइंडिंग रखनी है, ज्यादा इसको हम ऑयल वाला नहीं करेंगे, ठीक है, देख सकते हो फ्रेंड। इस स्टेज पे हमने जो नमक है वो नमक ऐड ऑन कर देंगे क्योंकि फ्रेंड्स कल संडे है, मैंने सोचा कल संडे है कुछ नया सा बना दूं, थोड़ा सा नाश्ते में अच्छा लगता है क्योंकि काफी टाइम से फ्रेंड्स अभी कुछ नहीं बनाया था मैंने, इसीलिए तो आज बस यही मैंने बना दिया। आ गया, देख सकते हो, देखो ये आटा का है ना बाइंडिंग अच्छा आ चुका है, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके ही मतलब इसमें पानी एड ऑन करेंगे, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा डाव है वो अच्छी तरह से लग गया है यहाँ पे। अब जरूर फ्रेंड इस तरह से एक बार मठरी जरूर बनाना, आपको सच में बहुत पसंद आएगी। हमारा प्रॉपर डव है वो रेडी हो चुका है, देखो इसमें मसाले भी सारे अच्छी तरह से दिख रहे हैं फ्रेंड्स, जो हमने डाले हैं जीरा, काली मिर्च एंड कस्तूरी मेथी, तो वो प्रॉपर अच्छी तरह से दिख रहा है। मैं आगे आपको एक बहुत ही अच्छी मतलब न्यू रेसिपी दिखाऊंगी बहुत ही जल्द, जो है पालक की मठरी, जो बहुत ही टेस्टी एंड यूनिक रेसिपी है, आई थिंक आप लोगों ने टेस्ट नहीं की होगी। तो फ्रेंड्स बस अब इसमें आटे को नॉर्मली मतलब जैसे 10 से 15 मिनट ऐसे ही रख दूंगी, ठीक है, फिर 10 से 15 मिनट के बाद आपको मिलती हूँ।
कि उसको आगे हम मठरी कैसे बनाएं। तो बस इसको मैं ऐसे ही पैक करके रख दूंगी। चलो 10-15 मिनट सेट हो जाए, उसके बाद में आपसे मीट हो चुकी है। ठीक है, हमारा आटा भी अच्छी तरह से मतलब देखो डव लग गया है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मतलब अच्छी तरह से मैश करूंगी। तो बस अब हम छोटी छोटी इसमें से लोइया बना लेंगे। छोटी वाली मठरी बनाना चाहो तो छोटी भी बना सकते हो, बड़ी बनाना चाहो तो बड़ी बना सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम आटे के छोटे छोटे पैठे बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल छोटी वाली मठरी नहीं बनाऊंगी, मैं थोड़ी सी बड़ी वाली साइज की बनाऊंगी। ठीक है, तो चलो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। के लिए देखो मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है, इसको नॉर्मली बेल लेंगे। अब थोड़ी सी इसको बड़े ही रखना, क्योंकि ये अराउंड 4-5 मिनट रहेगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आप देख सकते हो मैं इस तरह से मतलब साइज की मतलब ऐसे साइज की मैं बना रही हूँ। ठीक है, बस उसी तरह से हम सारी मठरियां बना देंगे। हाँ जी बेटा, क्या हुआ? क्या दे दूँ आपको? हाँ दे रही हूँ, चलो ठीक है ओके। बच्चे के साथ फ्रेंड्स बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि घर को भी संभालना है, हस्बैंड को मॉर्निंग में लंच बना के देना है। ठीक है, फिर सारा कुछ बाहर से लेना देना। मैं अभी तक 2 बार नीचे जाके आ चुकी हूँ मार्केट। ठीक है, तो वही बात है, मार्केट जाना, घर का पूरा संभालना। ठीक है, फिर आपका मतलब मैं न्यू रेसिपी शेयर करती हूँ, उसके लिए व्लॉग्स बनाना, एडिटिंग करना, उसको सुलाना, खाना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मुझे पता है फ्रेंड्स, आप लोग ऑफ कोर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं ये जरूर करूंगी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। मुझे देखो इसी तरह से मैं मठरियां बना रही हूँ। ठीक है, हमारी सारी मठरियां है, ठीक है, वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, और भी है थोड़ी सी इसमें, तो बस इसको है ना हम कट लगाते हैं, मतलब थोड़े थोड़े से नाइफ से कट लगा लो। ठीक है, तो मैं है ना ऐसे नाइफ ले रही हूँ और नाइफ से है ना कट लगा देती हूँ। कट से क्या होता है फ्रेंड्स, वो मठरी है ना अच्छी तरह से पक जाती है। ठीक है, और क्रिस्पीनेस इस पे अच्छा आता है, आप भी एक बार जरूर ट्राई करना है ऐसे। चलो देखो ये हमारा ऑयल है, वो भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, हमने यहाँ पे ये कट भी लगा दिए। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे सारी मठरियां डाल दूंगी। अब देर के लिए मतलब बिल्कुल ही लो फ्लेम पे ही रखेंगे, इसकी फ्लेम हम बढ़ाएंगे नहीं। यहाँ पे हमारी मतलब मठरी है वो पलटा देंगे। ठीक है, देखो काफी अच्छी मतलब वन साइड पे थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है, हम इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब टर्न करके फिर उसको अच्छी तरह से ब्राउन करने देंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी मठरी है वो अच्छी तरह से रेड हो चुकी है। ठीक है, हम इसको इतनी ही रेड करेंगे, ज्यादा रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा फिर लाल हो जाएगी तो इसमें मतलब एक जला जला सा है ना टेस्ट आएगा। ये आप देख सकते हो अच्छी तरह से सारी मठरी है वो पक गई है। देखो ये क्रिस्पी भी अच्छी हुई है, आप देख सकते हो। बस मैं अब इसमें और मठरी मतलब जो है वो तलने के लिए डाल दूंगी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हमारी मठरी है वो देखो कितनी अच्छी तरह से, आप देख सकते हो कहीं से भी बबल्स बिल्कुल इसमें नहीं आए, जो एक फटे फटे से बबल्स आते हैं देखो। तो चलो मैं ये सारी मठरी पहले तल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने सारी मठरी वो अच्छी तरह से तल ली है। ठीक है देखो, और ये रही मेरी मठरी, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से मतलब मठरी बनी है देखो। ठीक है, प्रॉपर अच्छी तरह से मठरी सारी बन गई है देखो फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो कट लगाए थे उसकी वजह से फुली फुली बिल्कुल भी मठरी नहीं बनी है फ्रेंड्स। देखो
ठीक है, वरना वो फुली फुली से बनते हैं, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं आपको कट करके भी एक दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये आप देखो कितनी इजीली कट हो रही है। ठीक है, ये देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है अंदर से। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से पूरी मैं जितना कट कर रही हूँ कट हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज़ आप भी ज़रूर बनाना एक बार और ट्राई करना मटरी इस तरह से। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, टेक।